अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे शेयर करेंगे मटन की तहरी किस तरीके से बनाना है। ये वीडियो उनके लिए है जो पहली बार कोई बनाना चाह रहे हो और जिनके बासमती चावल हमेशा स्टिकी हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं चंद टिप्स शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए तो आपकी भी तहरी फुली और पफी बनेगी। तो आइए, इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे किस तरीके से बनाना है एक नज़र देख लीजिए। पहले स्टोव ऑन करके एक बर्तन गरम कर लेंगे। फिर हम इसमें 4 टेबलस्पून तेल शामिल करेंगे। जैसे तेल गरम हो जाए इसमें हम शाजीरा शामिल करेंगे। फिर इसके बाद इसमें गरम मसाले शामिल करेंगे। जैसे गरम मसाले गरम हो जाए इसमें कटी हुई प्याज शामिल करना है। करके हाई फ्लेम पे रखकर 3 मिनट तक इसे भून लेना है। सिर्फ इसका कलर चेंज होना है और इसे जलाना नहीं है। फिर इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट में थोड़ा पानी मिलाकर शामिल कीजिए ताकि ये दाग ना लगे। फिर इसे धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। फिर इसके बाद पुदीने के पत्ते शामिल कीजिए। पुदीने को काटना नहीं है, सिर्फ पत्ते हम इस्तेमाल करेंगे। फिर धनिया पत्ता शामिल करेंगे। फिर कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। करके आंच को दरमियानी रखकर हम इसे 2 मिनट तक भून लेना है। फिर इस पे ढक्कन ढककर टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे या तो फिर इसमें से तेल अलग होने तक पकाएंगे। फिर ढक्कन उतार लीजिए। अब अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। करके इसमें नमक शामिल कीजिए। फिर लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर शामिल कीजिए। करके इसे अच्छे से 30 सेकंड तक भून लीजिए। फिर इसके बाद जो है इसमें हम मटन पीसेस शामिल करेंगे। आंच को हाई फ्लेम पे रखकर मटन के पीसेस को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए या तो फिर मटन का कलर चेंज होने तक इसे पका लीजिए। फिर इसके बाद ढक्कन ढक कर इसे धीमी आंच पे 5 मिनट तक पका लीजिए या तो फिर मटन में से पानी अलग होने तक इसे पकाइए। फिर ढक्कन उतार कर देख लीजिए एक बार। मटन ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेना है। फेंट कर आंच को धीमी करके दही को शामिल करना है। करके तकरीबन 2 मिनट तक इसे हिलाते हुए पकाना है। 2 मिनट के बाद अब इस पे ढक्कन ढक दीजिए। फिर इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट तक पका लीजिए या तो फिर गोश्त पूरा गलने तक इसे पका लीजिए। 15 मिनट के बाद ढक्कन उतार लीजिए। आप देख सकते हो ग्रेवी तकरीबन 200 ml नज़र आ रही है। अब मैं इसमें सिर्फ 700 ml पानी शामिल कर रही हूँ। अंदाजे से 200 ml ग्रेवी और 700 ml पानी, पूरा 900 ml हुआ है। अब हम इसमें हरी मिर्ची शामिल करके आंच को हाई फ्लेम पे रख देंगे। फिर ढक्कन ढक कर पानी में उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। जैसे भाप बाहर आना शुरू हो गया हो ढक्कन उतार लीजिए और इसमें चावल शामिल कीजिए। दोस्तों, जब भी चावल बनाते हैं तो डबल क्वांटिटी पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम डबल क्वांटिटी पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी की क्वांटिटी कम इस्तेमाल करने से तहरी स्टिकी नहीं बनेगी, बासमती चावल फूल कर अच्छे से बनेंगे। गोश्त को हमने दही में अच्छे से गला लिया था तो उसकी ग्रेवी अंदाजे से 200 ml थी और हम इसमें 700 ml पानी शामिल करेंगे। आप इसमें नींबू का रस शामिल करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर ढक्कन ढक कर लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पका लीजिए। जैसे चावल बन गए हो स्टोव ऑफ कर लीजिए। आप देख सकते हो चावल कितने फ्लफी और गोश्त भी परफेक्ट गल चुका है। अब इस पे ढक्कन ढक देंगे, 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि दिए गए इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर फॉलो करेंगे, तहरी को एक बार बनाने की कोशिश करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।